दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज खेला जा रहा है। इस वनडे सीरीज में एक नया बवाल सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका में आईसीसी के अधिकारियों से ऐसी गलती हुई है जिसका नुकसान कहीं ना कहीं टीम इंडिया को हुआ है। आखिर वो गलती क्या है और वो बवाल किस लिए है, वह पूरी बात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बस आप वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ा हर अपडेट आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज अब तक कमाल की रही है, जो बिल्कुल अपेक्षाओं के विपरीत है। श्रीलंका ने रविवार को दूसरे वनडे में टीम इंडिया को हराया और पहला वनडे मुकाबला टाई खत्म हुआ। लेकिन अब इस वनडे सीरीज को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और श्रीलंका के बीच अगर तीसरा वनडे मैच टाई हुआ तो इसमें सुपर ओवर कराया जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर पहला वनडे मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर क्यों नहीं कराया गया, क्योंकि नियम तो नियम होती है, चाहे वो पहले मैच का सुपर ओवर हो या फिर तीसरा मैच का सुपर ओवर हो। इस पर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी ने चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसमें कहा है कि पहले वनडे मैच में भी सुपर ओवर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत श्रीलंका के बीच पहले वनडे मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 230 रन बनाए थे। जवाब में टीम इंडिया भी 230 रन बना सकी और मैच टाई हो गया। बड़ी बात यह है कि आईसीसी के नियमों के मुताबिक इस मैच के टाई होने के बाद सुपर ओवर होना चाहिए था, लेकिन आईसीसी मैच रेफरी रंजन मुदगले ने ऐसा नहीं किया। यही नहीं, सवाल मैदानी अंपायर और तीसरे चौथे अंपायर पर भी उठते हैं। सवाल यह है कि क्या इन अधिकारियों को भी वनडे में सुपर ओवर के रूल के बारे में नहीं पता था। चलिए हम आपको ये बताते हैं, जो अगर दोनों टीमों का स्कोर एक जैसा होता है तो वह मैच टाई होता है, और वह जब मैच टाई होता है तो फिर सुपर ओवर होता है। वह सुपर ओवर का नियम क्या कहता है उसके बारे में बताते हैं। आईसीसी रूल के मुताबिक अगर दोनों टीमें एक जैसा स्कोर बनाती है तो सुपर ओवर होना चाहिए। अगर सुपर ओवर भी टाई रहता है तो तब तक सुपर ओवर होना चाहिए जब तक विजेता न मिल जाए। आईसीसी के रूल में ये साफ लिखा है कि वनडे मैच टाई होने पर भी सुपर ओवर होना चाहिए, लेकिन कोलंबो में ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा किस लिए हुआ ये तो आईसीसी के अधिकारी बता पाएंगे, क्योंकि आईसीसी के नियम में यह साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जो T20 फॉर्मेट हो या फिर वनडे फॉर्मेट, जब तक मैचों का नतीजा न निकल जाए तब तक सुपर ओवर होना है। और यह श्रीलंका के खिलाफ मैच में सुपर ओवर क्यों नहीं हुआ, ये समझ से परे है, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं टीम इंडिया को हुआ है। टीम इंडिया अपना पहला वनडे सुपर ओवर में जीत सकती थी, और ऐसा अगर होता तो आज वो सीरीज में 0-1 से पीछे नहीं बल्कि 1-0 से आगे होती। अब आईसीसी इस बड़ी गलती को क्या जवाब देगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी दोस्तों, यह सुपर ओवर के ऊपर आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।